बिहार की एक घटना थी, हमें दिमाग झकझोर देती वो घटना। बिहार में एक पांडे जी रहते थे, बड़े विद्वान पंडित, लेकिन बड़े गरीब। इतने गरीब के खाने की व्यवस्था नहीं। एक पुत्र के बालक को पढ़ाया लिखाया, वो बालक आईएएस ऑफिसर बन गया, कलेक्टर एकदम डायरेक्ट। जब इसकी ज्वाइनिंग होनी थी तभी माताजी का निधन हो गया। दो तीन दिन के लिए तो आया, नौकरी के चक्कर में फिर नहीं आया। तीन चार साल बीत गए, पिताजी की दशा एकदम दीनहीन। गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर पेट पालते थे। एक दिन पिताजी ने सोचा बेटा के पास मिलने जाना चाहिए, तो किराया उधार उठाकर वही धोती फटी सी और हाथ में एक थैला लिया, एक कमंडल लिया, वही रामनामी माला लेकर के और बिहार के शहर में अपने बेटा को मिलने, जो कलेक्टर था उसको मिलने गए। दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। तब इन्होंने बड़ी किन्नत मिन्नत करके कहा कि आपके जो कलेक्टर महोदय हैं वो हमारा बेटा। और आज के बेटों के ऐसे बेटों की क्या करें, कई बार हमें लानत आती है। वह बालक बड़े बड़े अफसरों के बीच में बैठकर हंसी मजाक पार्टी कर रहा था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने जब ब्राह्मण जी की दशा देखी तो लगा कि सच में ये लग तो रहे हैं, हाथ पकड़ के अंदर लाए और कान में आके कहा, साहब आपके जो है पिताजी आए हैं। अब पिताजी तो फटी धोती पहने, बालक ने फटी धोती देखी, अब बड़ी बड़ी मैडमें, बड़ी बड़ी अधिकारियां और अधिकारी टेबल पर बैठे पार्टी कर रहे थे। इस बालक ने सोचा कि बताओ ये क्या कहेंगे, इनके पिताजी ऐसी हालत में ऐसे रहते, छवि खराब ना हो जावे। ये इतना निकम्मा निकला कि पूरी समाज में बोला, लोगों ने कहा कि आपके पिताजी आए हैं, मित्रों ने कहा नहीं नहीं हमारे पिताजी नहीं, हमारे पिताजी के मित्र आए हैं जो पिताजी जैसे ही हैं। पांडे जी की आंखों में आंसू आ गए, राम 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 राम। पूरी जिंदगी जिस बालक को बनाने में लगा दी, धन्य रे बालक। दरअसल हम इसके पिताजी के मित्र नहीं हैं, इसकी माताजी के मित्र थे। और इतना कहकर के पांडे जी ने प्रण लिया कि अब लौट करके ना हमें घर जाना है, ना लौट कर इससे कोई नाता रखना है। तुरंत दौड़कर श्री धाम वृंदावन चले गए। वो बालक अभी भी जीवित है, खूब मनाया उस बालक ने, लेकिन लौट कर पांडे जी नहीं माने, भगवान के भक्त बन गए। खूब रोया बालक, बड़ा पछताया, लेकिन लौटकर नहीं माने। इस कथा का तात्पर्य हम आपको ये निवेदन करना चाह रहे, भगवान की कृपा से, पिता माता की कृपा से तुम्हें अगर कोई पद मिल जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, भगवान करे उससे बड़ा पद तुम पा जाना, पर कभी अपने माँ बाप की इज्जत करना मत भूलना, कभी मत भूलना।